WCL, SBI और रेलवे विभाग में नौकरी का आमिष देकर लोगों से करोड़ों रुपए लूटने वाले गैंग का ग्रामीण पुलिस और आर्थिक गुने विभाग ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच ग्रामीण पुलिस 2019 से कर रही है। मामले की जांच के दौरान आरोपी अमित कोवे ने धंतोली पुलिस थाना क्षेत्र परिसर में खुदकुशी की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के पत्नी और बच्चे के बयान के बाद पता चला कि अभिषेक ने विविध शहरों से लोगों से पैसे लिए हैं। अमित इस मामले में मध्यस्थी का काम करता था, तो ग्राहक लाकर सामने देता था, मगर जो लोग अमित को जानते थे वे पैसों के लिए उसके पीछे पड़ गए, जिस कारण वो दबाव में आया और उसने खुदकुशी कर दी। अमित ने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखी थी, जिसमें आरोपी रमेश शर्मा और मोहम्मद दानिश आलम उर्फ रशीद अनवर आलम उर्फ दानिश जिशान मोहम्मद आलमगीर इनके नामों का जिक्र था। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने भंडारा से गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अमित से 1,30,00,000 लेने का पता व्हाट्सएप द्वारा चला है। इस मामले में एक और महिला आरोपी शिल्पा पाल पारती को गिरफ्तार किया गया है। शिल्पा पहले बर्डी पर प्लेसमेंट का ऑफिस चलाती थी और अंदाशा ये भी लगाया जा रहा है कि शिल्पा ही इस मामले में मास्टरमाइंड हो। इन आरोपियों ने कुछ लोगों को सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। केड़वत पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल है 9/2022। इसमें जो है कि अभी तक जो आरोपी अटक है उसमें एक पहला कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह और दूसरा जो आरोपी है वो मोहम्मद दानिश जिनेश आलम, ये पहले मार्च में हमने अरेस्ट किए थे। इसमें तीसरा जो नाम आया शिल्पा पाच परती वो बाला परती, तो वो जो है उनका इसमें मेन रोल अभी तक आ रहा है। इसमें एक मयत अमित कोहे है जिसको उन्होंने पैसे उनके पास पैसे दिए थे और हमारे विदर्भ में जो बोलते हैं कि नागपुर चंद्रपुर वर्धा नागपुर सिटी इस एरिया में से सभी लोगों जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए थे सर्विस के लिए। उसमें से ज़्यादातर WCL के बच्चे हैं, WCL में सर्विस लगाने के लिए या SBI में सर्विस लगाने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा उन्होंने अभी तक रोल उसका अभी तक आया है। उनको सुबह अरेस्ट किया है और 10 दिन का उसमें PCR लिया है। अभी तक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों का जिसका इसमें ये हुआ है फसवणूक हुई है, महाराष्ट्र के बच्चे की ज़्यादा दिख रही है धोखाधड़ी जिसके बारे हो रही है और इसमें मेन रोल है शिल्पा पाल प्रति का। और इसके साथ जो अमित कोवे था वो तो मैं थोड़ा तो अभी तक हम इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके जो और कौन है उसको अरेस्ट करेंगे। ये रैकेट ऐसा है कि इसमें जो बच्चे जो उम्मीदवार बोलते हैं हम कि जो कहाँ भी सर्विस के लिए ज़्यादातर उनका अभी बेकारी में जो उसका ऐसा चालू रहता है तो उससे पैसा लेना ऐसे लोग ही करने का उसके ऊपर जाल बिठाने का और उसको फिर इतने पैसे दो हम सर्विस देते हैं तो दूसरे को जाके भी उसको मिलाते थे और वहाँ से उनका जो व्यवहार होता था वो पैसे बच्चे पहले से ही दे देते थे उसमें से उसको फिर घुमाया फिराया जाता था कि जैसे कि वे दिल्ली गए औरंगाबाद गए अभी ऐसे कुछ जगह से उनको दिखाए WCL में दिखाया SBI में फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया ये ऐसे करके उनको सिर्फ घुमा फिरा के पैसे का इसमें हड़प कर रहे थे। अभी ऐसा ऐसा इतना इतना रोल देश में नहीं आया लेकिन महाराष्ट्र में से विदर्भ के प्रांत के जो जिले हैं उसमें आ रहा है और हो सके उसमें और भी स्टेट में ऐसा भी हो किया होगा। हाँ इसमें बिहार के भी आरोपी है लेकिन ऐसा कोई आया नहीं कि बिहार के लोगों को अभी तक हमारे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं आया। बहुत दबाव आया था कि जो बच्चे उनको जानते थे जिसके पैसे उन्होंने लिए और फिर आगे दे दिए तो वो बच्चों को वो पैसे चाहिए थे, एक तो सर्विस चाहिए अब पैसे चाहिए तो इसका दबाव उसके ऊपर आ रहा था तो फिर ये उसका वो ये करने रहा और फिर उसने उसमें पूरा डिटेल मोबाइल में जो है उनके उन्होंने ये करके व्हाट्सएप पे डाल दिया था और इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया। और फिर बाद में जैसे हमको वो पूरा ये मिला उसका मोबाइल मिला तो इसमें बहुत से जानकारी मिल गई। ये एक नर्सिंग उन्होंने मलेशिया में किया था और उधर वो थी फिर नागपुर को एक्चुअली वो नागपुर की है। नागपुर में आने के बाद उन्होंने जो मेडिएटर के माध्यम से पैसे लिए थे और वो उस वजह से वो फंसाती थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।